सहारनपुर में रबड़ की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शारदा नगर की फैक्ट्री में आज सुबह आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर दौड़ गई, जिसके बाद लगी आग को घंटों की मशक्कत के बाद काबू में पाया गया। इससे फैक्ट्री में रखे लाखों रुपए के सामान और अन्य कागजात जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में 2 साल पहले भी आग लगी थी। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सहारनपुर की पुलिस एकदम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जहां लगातार चौक चौराहों और अति व्यस्त इलाकों में वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। सहारनपुर में मार्च माह में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग द्वारा लाखों रुपए का राजस्व इकट्ठा किया है। मार्च महीने में पुलिस ने 16,597 वाहनों पर चलानी कार्रवाई करते हुए लगभग 16,81,000 रुपये का चलान वसूला है। इसमें सबसे ज़्यादा 12,621 लोगों के बिना हेलमेट लगाने के कारण चालान किए गए हैं और लोगों को हेलमेट लगाने की सलाह भी दी गई है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 2 चोरी के वाहन भी पकड़े हैं। जिसमें यातायात पुलिस सहारनपुर द्वारा इस माह मार्च में अब तक 16,31,000 रुपये शमन शुल्क के वसूले जा चुके हैं, और इसके साथ साथ 16,597 चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बिना हेलमेट जो चालान है वो 12,621 चालान बिना हेलमेट के किए गए हैं, और गलत नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ भी 1,839 चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए हैं। निरंतर ट्रैफिक पुलिस सहारनपुर इस प्रयास में है कि यहाँ के लोग जागरूक हों और यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे दुर्घटनाओं में हम आगे कमी ला सकें। सर, लगातार जो चेकिंग अभियान चल रहा निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो वहीं आबकारी विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। आबकारी विभाग की टीम पूरे जनपद भर में अवैध शराब की तस्करी और रोकथाम को देखते हुए जितने पूर्व के शराब तस्कर और जमानत पर रिहा तस्कर हैं, उनके यहाँ पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी और उनको एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि यदि चुनाव में किसी भी तरह की अवैध शराब की तस्करी से संबंधित उनकी शिकायत पाई गई तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और निकाय चुनावों के दृष्टिगत अवैध शराब की तस्करी और रोकथाम को देखते हुए जितने पूर्व के तस्कर हैं, जिन पर पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है और जो फिलहाल जमानत पर रिहा हैं, उनके यहाँ अभी आवश्यक पुलिस बल को साथ लेकर दबिश दी गई है और उनको एक कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि यदि चुनाव में किसी भी तरह की संलिप्तता या कोई भी जो है अवैध शराब की तस्करी से संबंधित कोई भी आपकी संलिप्तता पाई गई तो बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हम लोगों ने आम लोगों से भी अपील की है कि सरकारी नंबर वितरित करते हुए कि अगर कोई भी सूचना अवैध शराब की तस्करी बिक्री या फिर निर्माण से संबंधित प्राप्त होती है तो हम लोगों को बताएं, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, और अगर कोई महत्वपूर्ण जो है कोई कार्य कराएगा तो उस पर कोई इनाम का भी हम उस पर विचार कर रहे हैं। मरम्मत के लिए शुक्रवार को बंद किए गए अस्पताल वाले पुल पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पहुंचकर जानकारी ली, जहां पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से बात करते हुए काम को समय से पूरा कराने की बात कही। तो इससे क्या है कि आपका भी काम होता रहेगा, शहर वालों को भी लगेगा ना कि मतलब कोई दिमाग लगा के काम कर रहे हैं, नहीं तो उनको ये कॉमन चीज़ सबको दिखाई दे रही होगी। आप बताओ, इतने की रोड तोड़ दिए, पूरी रोड वहाँ से वहाँ तक बंद कर दिए, है ना। सहारनपुर में महानगर कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री दीपक कुमार ने जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने जिन प्रश्नों को पीएम मोदी से संसद में पूछा था, आज तक पीएम मोदी ने उनका कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस के सामने कोई और चारा नहीं है और हम प्रेस में आकर इन सवालों के जवाब मांग रहे हैं।
प्रेस वार्ता तो इसी ये जो तानाशाही चल रही है मतलब सरकार की तरफ से जिस तरीके से गुंडागर्दी से शासन को चलाया जा रहा है इसी के को लेकर तो ये पीसी है। और ये पीसी केवल सहारनपुर में नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अलग अलग जगह ये पीसी के जरिए आप लोगों के जरिए ही अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। दीपक कुमार जी, आपने तानाशाही की